त्रिलोकी के भीतर दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित इस दिशा में दक्षिण दिशा में अग्नि स्वात आदि पितृगण रहते हैं। अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उधर ही नरक लोक है। भगवान सूर्य के पुत्र पितराज भगवान यमराज अपने सेवकों के सहित वहां विराजमान हैं। ये त्रिभुवन का दंड विभाग है, जैसे छोटी छोटी कोतवाली है ना, और सबका एक विभाग का स्वामी है, ऐसे ही ये जो रोग हैं, नाना प्रकार के संकट हैं, विपत्तियां हैं, ये कोतवाली हैं, ये उसी दंड विभाग से आते हैं। और पूर्ण दंड विभाग यमपुरी है, जहां पूरा का पूरा हिसाब दिया जाता है। भगवान यमराज की आज्ञा होती है और पापी को वैसा एक सेकंड में निर्णय हो जाता है। वहां वकील की जरूरत नहीं होती, वहां एक सेकंड, इतने जीव रोज वहां लाइन लगी है। अपने दूतों के द्वारा लाए हुए मृत प्राणियों को तत्काल उनके दुष्कर्मों को देखकर उसका परिणाम दे देते हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्थिपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशेषण, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयहपान, इसके सिवा क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रूत, दंधसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूचीमुख, इस तरह से प्रधान 28 नरक हैं। जो पुरुष यहां दूसरे का धन, दूसरे की संतान का हरण कर लेता है और दूसरे की स्त्रियों को फुसला करके हरण कर लेता है, दूषित कर्म करता है, उससे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बला तामिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। इस नरक का भयानक दंड है कि इसमें कहीं प्रकाश नहीं। थोड़ी देर भावना करना, एकदम अंधकार ही अंधकार। ना तो इसमें किसी तरह का उसको आहार दिया जाता है, ना अन्न ना जल, और निरंतर यम के दूतों की केवल सेवा होती इसे पीटो डंडे से, जैसे धोबी कपड़े को कूटता है, इसे कूटते रहो। अच्छा, वहां मरना है नहीं, ये हो कि भाई मर जाना तो दो चार घंटे पिटाई होगी, मरना है नहीं, अब वहां केवल पिटाई ही होती रहती है। वो मूर्छित होता है, गिरता है, न भोजन न पानी, घोर अंधकार, केवल डंडे बरस रहे हैं, पिटाई पिटाई, वो बार बार मूर्छित होता है। लेकिन उसे अब ये सजा ऐसे दी जाती है, बोले इसे 100 वर्ष, 50,000 वर्ष, 1 कल्प, अब पिटाई ही पिटाई होगी। अब बोलो कितनी दुर्दशा है, कितनी दुर्दशा। इस लोक में जो मनुष्य किसी दूसरे को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं और उसकी स्त्री के साथ वो गलत संबंध बनाता है और उस पुरुष को धोखा देता रहे, मान लो आपको मित्र बनाया और आपकी पत्नी का भोग किया और उस मित्र को विश्वास दिलाता रहता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, तो यमदूत उसे अंध तामिस्त्र नरक में ले जाते हैं और वो कटे हुए वृक्ष के समान भयंकर वेदना को प्राप्त हुआ सुदबुद खो बैठता है और उसके अंगों में वहां बहुत तरह की पीड़ा दी जाती, काटा जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे काटा जाता है, ऐसे ऐसे काटा जाता है, इसे अंध तामिस्त्र नरक कहते हैं। इस लोक में जो कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत पुष्ट हूं, देखते हैं कि हमें कौन परास्त करेगा, जहां मनाया उस धन चुरा लिया, जहां मनाया बलात्कार, नाना प्रकार की गंदी चेष्टाएं की, दूसरे धर्मात्माओं का विनाश किया, प्राणियों से द्रोह किया और नाना प्रकार की वस्तुओं को छीन छीन कर अपना और अपने परिवार का पोषण करते रहते हैं। वो जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो रौरव नरक में जाते हैं, रौरव नरक। इस लोक में जिन जिन जीवों को जो जो कष्ट पहुंचाया है, यमराज के दूत वैसा ही वो रूप धारण करते हैं, रुरु नामक होकर के भयंकर कष्ट देते हैं, इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। जब किसी को कहा जाता है सारे रौरव नरक मिलेगा, मतलब भयंकर चरम सीमा का कष्ट, सर्प जैसे क्रूर स्वभाव वाले ऐसे जीव वहां है जो उसको काटते हैं, बार बार काटते हैं, मरना तो वहां है नहीं,
महारौरव नरक ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो अपने शरीराभिमान में आकर के दूसरे धर्मात्माओं को, जीवों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, उनसे वस्तुएं छीनते हैं, अपहरण करते हैं और स्वयं अपने परिवार और अपना भोग सामग्री एकत्रित करते अहंकार के द्वारा। भोग सामग्री धर्म के द्वारा, भगवत प्रसन्नता के लिए यदि अहंकार के द्वारा दूसरे की हिंसा आदि करके आपने, तो फिर वो भोग भोगना पड़ेगा। जो किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, ओ बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बिचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्त किए, बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं, तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं, से मांस और उसको पवाते, ले अप्पा। अच्छा, एक दो दिन की बात है नहीं, ये बहुत लंबा सजा होती है, भोगते रहो। जैसे कोई कह दे, अरे हम नहीं मानते, तो आप भारतीय विधान को ना मानो, करो, जिस दिन फंस जाओगे तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। इतनी पिटाई करेगी भारत सरकार की जो सैनिक है कि तुम्हें होश, फिर उस समय नहीं चलेगा कि हम नहीं मानते, तुम्हारे मानने ना मानने एक थोड़ी विधान है, फंस जाओगे विधान में तब पता चलेगा। गंगा किनारे जब थे तो एक मिले थे, ऐसे ऐसे सब उंगुलियां थी, तो बताया कि हम फंस गए थे तो अंगुलियां से टूटी हुई, वो बताते थे नाखून में ऐसे कील गाड़ी जाती है, अंगुलियां तोड़ दी जा, कितना कितना भयंकर कष्ट, काफी काफी समय तक बर्फ की शिल्ली में लिटा दिया, ऊपर से पिटाई हो रही, बड़े बड़े कष्ट बहुत। अब आप इसे मानोगे, अरे सब झूठी है, नहीं कहते झूठी, तो कर लो, देख लो जाके क्या हो रहा है। जैसे यहां की पिटाई को हम नहीं माने और बुरे आचरण करें, तो जब फंस जाओगे तो आपको बिल्कुल अनुभव करो, अनुभवी महापुरुष हो जाओगे। ऐसे आप नर्क को अभी मान रहे हो, कह रहे शास्त्रों में सब झूठा लिखा हुआ, जब भोगले को मिलेगा तब आप पता चलेगा आपको। जो यहां दूसरे जीवों का कच्चा मांस नोच नोच करके उनको यमदूत उन्हीं को खवाते हैं, जो यहां के जीवों को काटते हैं, जो अपने पेट पालन के लिए, अपनी जिभ्या के लिए, बोले अंडा खाओ, अंडा में कोई पाप नहीं है, सुन लो खूब गौर से, सुन लो ध्यान से, आखिरकार उस अंडे को रखे रहो तो उसमें जीव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप देखो, जीव निकलेगा ना, किसी भी अंडे को आप रख दो वो अपने समय पे फूटेगा, उस पे जीव निकले, जीव है, जो जीव मनुष्य में है वही जीव उन पक्षियों में है, उन पशुओं में है, चींटी में है, उतना ही जीव है। जो उन पशुओं को भूनता है, रांधता है, नष्ट करता है, कैसे कैसे निर्दयी लोग, वो तड़प रहा है जी, उसको आग में ऐसे बांधे हुए है, किसके लिए? इस असेंद्री के लिए। अरे हृदयहीन राक्षस, तेरी दुर्गति होगी, शास्त्र कहता है। उन हृदयहीन राक्षसों से गए बीते यमदूत उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। जो ऐसे राक्षसों से गए बीते हैं उन कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं, और फिर क्या करते जानते हो? खोलते हुए बड़े बड़े कड़ा है, जैसे पकौड़ी उबाली जाती है, उसमें डाल दिया। अब मरना है नहीं, मरना है नहीं, मरना हो तो चलो दो मिनट में भून गए ना, खूब खोलो खेलो अब। हाँ, उसी में आग में कड़ाई में जो तेल पड़ा है, खूब खेलो आनंद से, कितने बोले एक कल्प तक, अब जलो उसी में। जो मनुष्य इस लोक में अपनी माता को गालियां देता है, माता को पीटता है, पिता को गालियां देता है, पिता को पीटता है, वैष्णव द्रोह करता है, वेदज्ञ जनों का विरोध करता है, शास्त्रों की निंदा करता है, उस पापी को यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। 10,000 योजन का घेरा है, एक योजन का मतलब 4 कोस, 10,000 का मतलब कितना हुआ? 40,000 कोस की भूमि है, और वो तांबे की तरह है, और आग से लाल है भूमि, पूरी भूमि लाल है, ऊपर से भयंकर प्रचंड सूर्य का ताप, नीचे से जलती हुई अग्नि, और ये 10,000 योजन का घेरा, वहां उसे छोड़ दिया जाता, दौड़ो बस, दौड़ते रहो, कितने दिन तक? कल्पों तक दौड़ते रहो, भुनो, लो आनंद। तुम्हें समय दिया गया है, भी पीछे सत्संग में बोला था कल या परसों, कि
70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष जो चाहो कर लो, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो, आंख मूंद ले, कबूतर बिल्ली को देके आंख मूंद लेता है कि अरे कुछ नहीं बिल्ली, तो बिल्ली छोड़ देगी क्या? वो तो एक ही झपटा में उसे खा जाएगी। ऐसे ही तुम आंख मूंद लोगे, अरे सब शास्त्र ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है। यहां तो ब्याज में मिलता है कैंसर और ये नाना प्रकार की सड़न गलन, ये ब्याज है। मूल तो यमपुरी में भोगो चल के। अब वो बेचारा इतनी लंबी भूमि में भागता रहता है, जलता रहता है, मरना है नहीं, बेचैनी बढ़ जाती है, छटपटाता है, लौटता है, खड़ा होता है, दौड़ता है, चीखता है, पुकारता है, कौन सुने? कितने दिन तक? बोले जितने उसके शरीर में रोम है उतने हजार वर्ष तक उसमें रखा जाता है उसको, उतने हजार वर्ष तक। इसको कहते हैं काल सूत्र नरक। जो पुरुष बिना आपत्ति आने पर वैदिक मार्ग का उल्लंघन करके पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, वैदिक मार्ग की अवहेलना करता है, वैदिक सिद्धांतों को गालियां देता है, उसे यमदूत ले जाते हैं कोड़े से मारते हुए, और नरक में 80 पत्रवन नरक है। उसके जो पत्ते हैं वो तलवार जैसे हैं, ऐसे पेड़ के ऊपर फेंक दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े हुआ, गिरा, फिर कस, फिर फेंक दिया गया, बस यही लीला चलती है, फेंकते रहो ऐसे, यमदूतों की ड्यूटी तो फेंकते रहो ऐसे, कितनी बार, वाह, बार बार मूर्छित होता है वो। उस समय विचार करता है अपने कुकर्मों को याद करके, हाय मैंने शास्त्र विरुद्ध आचरण की, शास्त्र की निंदा की, अवहेलना की, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। जो इस मृत्यु लोक में राजपद पर या राजकर्मचारी पद पर है और ये जानता है कि ये मनुष्य निरपराध है, लेकिन धन आदि के लिए या किसी बल प्रयोग के उसमें आकर के वो उसे दंड दे देता है, तो उस महापापी को सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। आपको अधिकार मिला है, भगवान ने आपको जगत की सेवा दी है, यदि आप जानते हो कि ये बिल्कुल अपराध रहित है और आप किसी के पैसे देने से या किसी के बल के दबाव में आकर उसे दंड देते हैं, तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। महावली यमदूत उसको ले जाते हैं और क्या करते हैं, पहले उसके ऊपर कूदते हैं, फिर इसके बाद कोल्हू में उसे पेरा जाता है। कोल्हू में जैसे गन्ना पेरा जाता है ना, ऐसे कोल्हू में पेरा जाता है। जो यहां बड़े पदों में होकर के निरपराध लोगों को सताते हैं, निरपराध लोगों को दंड देते हैं, उनको यमराज के दूत फिर वहां पहले पैरों से कुचलते हैं, फिर कोल्हू में पेरते हैं। जो इस लोक में दूसरे निरपराध प्राणियों को रोते चिल्लाते हुए सुख का अनुभव करता है, खूब दर्द दे, ऐसे बड़े बड़े निर्दयी लोग हैं, यहां दर्द दे और वो समझते हैं बड़ा आनंद, वहां ऐसे ही यमदूत आनंदित होते, नाचते कूदते यमदूत, और उनको कोल्हू में पेरते, खूब दर्द देते हैं। इस लोक में जो खटमल, मच्छर, सर्प, बिच्छू, छिपकली, ये जितने ऐसे जीव हैं, इनको देखते ही मार देते, हिंसा करते हुए अंधकूप नरक में गिरते हैं। भगवान ने इन जीवों के कर्म के अनुसार इनकी रचना की, रक्त पान आदि इनका स्वभाव है। ये नहीं जानते, मच्छर ये नहीं जानता कि हम काट रहे हैं तो इनको दुख होगा, वो नहीं जानता। उसका जैसे हम भोजन पाने के लिए अन्न आदि पाते हैं, ऐसे वो उसका भोजन रक्त भगवान ने निश्चित किया, उड़ा दी। बोले अगर मच्छर नहीं मारेंगे तो नाना प्रकार के बुखार वाले रोग पैदा हो जाएंगे। सच्ची मानिए, जब रोग पैदा होना होता है तो हो ही जाता, रोग पैदा ना हो तो, रोग अगर नहीं होना ना तो आप खुले मच्छरों में बैठे रहो नहीं का। हाँ, आप अपना बचाव पक्ष कीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, पहले से ऐसी औषधि आदि कर लीजिए, अपने यहाँ छिड़काव कर लीजिए, लेकिन आप मच्छर को मारें, आप छिपकली को मारें, आप सर्प को मारें, बिच्छू को मारें, ऐसा हमारा शास्त्र अलाउ नहीं करता कि आप मारें, ऐसा नहीं। जो उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव बनाया गया है, आप अपना बचाव पक्ष रख लीजिए। अच्छा, बचाव पक्ष में मर जाए, देखो अंदर की बात है, अब पता नहीं कि पीछे क्या काट रहा है खुद, वो ऐसे हाथ किया वो मर गया, उसका कोई अपराध नहीं। आप जान के कि अच्छा ऐसे मारे, कुछ लोगों का स्वभाव होता मक्खी ऐसे देखते रहते,
ऐसे ऐसे भरते रहते ऐसे, और पूछो उसे क्या है, वो मजा आ रहा है, लेला मजा। हाँ बोले जो यहाँ इन जीवों को मार, सांप दिखा रहे, मारो मारो सांप सांप। बोले काल, काल को तुम मार सकते हो, जितने यहां मच्छर जू रेंगने वाले सांप या पशु पक्षी मृग मक्खी जो भी, इनसे तुमने जो इनको मारा, इनको द्रोह किया, तो आप समझ लीजिए कि ये बाप आपको नरक ले जाने वाला है। आपका रोग ग्रस्त शरीर होगा, बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए अंधकूप नरक से बचना है तो किसी जीव की हिंसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मनुष्य इस लोक में रसोई बनाता है, गाय के लिए पहला ग्रास नहीं निकालता। देखो कितना सुंदर हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है, दरवाजे पर एक गऊ बंधी हुई है, आप पहला ग्रास गऊ के लिए, ना गऊ है ना ग्रास है, कुत्ता है और सब रास है। हा अतिथि देवो भव, वहां लिखा कुत्ते से सावधान, क्योंकि अब कुत्ते का वास है, सावधान। निवास स्थान में गेट में लिखा है कुत्ते से सावधान, सावधान। यहां वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य कि इस लोक में जब आप भोजन बनाते हो तो एक रोटी गाय के लिए निकालो, कुछ टुकड़ा कौवे पक्षियों के लिए निकाल दीजिए, अतिथि के लिए। आप गृहस्थ हैं तो इंतजार एक दो मिनट दरवाजे पे निकल के देखना चाहिए, कोई भूखा कोई अतिथि, अगर ऐसा आप भाव रखेंगे तो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठाकुर जी का भोग लगाए बिना तो पाओ ही मती, अगर ठाकुर जी का भोग लगा दिया तो सब पूर्ण हो जाएगा। जो यहां पंच महायज्ञ के भागियों को बिना भोजन दिए स्वयं भोजन पकाते हैं खाते हैं, वो कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरते हैं। गीता में भगवान ने कहा है जो मुझे बिना अर्पित किए हुए पाता है वो पाप खाता है, यही है पाप। चाहिए क्या चला जाता है, भगवत नाम कीर्तन करते हुए, भगवत चर्चा सुनते हुए, आप प्रभु का भाव रखते हुए रसोई मनिया कीजिए। एक रोटी गाय को निकाल दिए, थोड़े टुकड़े ऐसी जगह फेंक दो जहां गिलहरी है, चिड़िया है, कौआ है, ये पाएंगे, चींटी है, ये पाएंगे। अतिथि के लिए आप भाव करो। अब रसोई तो है नहीं कि उसमें पांच कवल निकाल करके और घी बूरा से बोर करके अग्नि को आहुति दे दे तो गैस है बुझ जाएगी। अगर उसमें घी बूरा की रोटी डाल हवल करोगे तो बुझ जाएगी। बड़ा समय कलयुग का विपरीत आता चला जा रहा है, पर सबका सार है कि आप प्रभु को भोग लगा दीजिए। और कभी कोई भूखा कोई अतिथि ऐसा, एक मिनट के लिए कर्तव्य होता है, आप भोजन पाने के पहले दरवाजे पर देखे कोई ऐसा आसपास अतिथि तो नहीं। 1,00,000 योजन का लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसमें उसको फेंक दिया जाता, खाओ कीड़े, फेंक दिया गया उस कुंड में। अब आप सोच ऐसे करता है तो हजारों कीड़े उसके जाते हैं। जो बिना भोग लगाए, बिना किसी गाय आदि के लिए, बिना राशन आदि निकाले, केवल भोजन अपने लिए पकाता है, वो पाप है, वो उस अपराध का भागी बनेगा। अब उसके जब पापों का प्रायश्चित हो जाता है तब उसे वहां से निकाला जाता है। श्री ध्रुवदास जी ने भी लिखा, बिना भगवान को अर्पित के, प्रियालाल को अर्पित के पानी भी मत पिए। क्या जाता है, जल लिया राधा वल्लभ लाल की जय, निर्दोष हो गया, पी लीजिए। ये सृष्टि प्रभु की है। राजन जो इस लोक में चोरी करता है, जबरदस्ती संपत्ति छुड़ा लेता है, या अपने को ऊंचे कुलों में जन्मा हुआ मान करके बिना आपत्ति के नीच कर्म करता है, बोले पंडित जी हैं, बोले क्या, बोले सर आपके ठेके में है, होश में रहना पंडित जी, वहां यम के दूत नहीं देखेंगे तुम पर, और पिटाई डट के होगी। बोलो ब्राह्मण हो करके तुम अपने को ऊंचे कुल का मान करके मांस खाते हो, शराब पीते हो, जब तक त्रिकाल संध्या नहीं तो तुम किस बात के ब्राह्मण हो। त्रिकाल संध्या नहीं, गायत्री जब, ब्राह्मण जानते हो क्यों जगत पूज्य होता, तपस्या के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को वो पवित्र रखने की चेष्टा कर, स्वयं दरिद्रता सहता, कष्ट सहता, और महान तपस्या के द्वारा, दूसरों के अनुष्ठानों के द्वारा पापों का नाश करके उन्हें पवित्र करता, इसलिए तप बल विप्र सदा बरियारा। आज क्या हो गया, आप शराब पी रहे हो, मांस खा रहे, यज्ञोपवीत है ही नहीं। अगर कभी ऐसा हुआ तो ब्याह के समय हो गया, दुल्हेला ही खूंटी में टांग दिया यज्ञोपवीत। अब बोलो अपने को तुम ब्राह्मण कहते हो, कौन सा धर्म है ब्राह्मण का, कौन से आचरण है ब्राह्मण के,
क्या होगा? बोले कुछ नहीं, सब कहने सुनने की बातें, तो सुन लो क्या होगा। जो ब्राह्मण हो करके चोरी करता है, बरजोरी करता है, दूसरों के स्वत्व का हरण करता है और सभी गंदे आचरण, अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, उसे संदंश नामक नरक में ले जाया जाता है और लोहे के गरम गरम गोले से दागा जाता है। गरम गरम लोहा ले पियो पंडित जी शराब, ऊपर उनके मुंह में गरम लोहा खोलता हुआ ले पी। ब्राह्मण बने थे खूब तपस्या और भजन के द्वारा, जगत का मंगल करो, स्वयं अपना कल्याण करो, दूसरों का कल्याण करो, इसलिए बने, और सारा जगत मानता था। अब आप बैठ के शराब पियोगे, आपको कोई कहेगा पंडित जी चरण छुअन? आप बोलो, तुम्हारे हाथ में गंदे आहार देखेगा तुम्हें कोई ब्राह्मण मानेगा? और है भी नहीं, आपने पूर्व कर्म किए तो ब्राह्मण कुल में जन्मे, आप कर्म क्या कर रहे हो? नीच कर्म, तो नीच हो, जो नीच कर्म कर रहे हो तो नीच हो। देखो गोस्वामी जी ने लिखा, यदि आप भजन नहीं करते तो आप कोई भी हो, हरि भक्ति विहीन जीवन मुर्दे का जीवन है, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी, कोई भी हो। यदि इस लोक में कोई पुरुष काम से पीड़ित हो करके शास्त्र की मर्यादा का त्याग कर, अरे किसी भी जाति का कोई भी हो, कैसे भी हो, केवल हमें काम भाव की पूर्ति करनी है, अगम्य पुरुष स्त्रियों से व्यभिचार करता है, उसे यम पुरुष तप्त सूर्म नामक नरक में ले जाते हैं। और जो स्त्री ऐसी व्यभिचारणी होती है तो वहां तपाया हुआ पुरुष लोहे का बना हुआ है, आग, बिल्कुल आग, उसमें उसको आलिंगन करने का दंड दिया जाता है। यमराज के दूत ऐसे पकड़ लिए और उसमें, अब एक दो दिन वर्ष नहीं, बहुत काल तक चलते रहो। जो पुरुष पराय स्त्री के साथ व्यभिचार करता है उसके लिए वैसी स्त्री की रचना होती है, आग जैसी तपती होती है, बहुत काल तक उसको उसमें आलिंगन कराया जाता है, जलता रहता, चीखता रहता है। तपाए हुए लोहे की स्त्री या तपाए हुए लोहे के पुरुष की मूर्ति से उसे बहुत काल तक उसमें आलिंगन कराया जाता है। जो पुरुष इस लोक में कामाशक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करता है, मरने के बाद उसे यमदूत वज्र कांटक सालमली नरक में गिराते हैं। इसमें वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमर के वृक्ष जैसा है, उसको ऊपर ऐसे फेंकते हैं फिर नीचे घसीटते हैं, पूरे वो कठोर कठोर कांटे हैं वज्र जैसे, पूरा शरीर फट जाता है, मरना तो है नहीं। इस लोक में जो राज पुरुषों के घर में जन्म लेकर या श्रेष्ठ कुलों में जन्म लेकर अपने अभिमान से युक्त हो जाते हैं और धर्म मर्यादा का उच्छेदन करते हैं, तो मर्यादा अतिक्रमण के कारण वो वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। जो अपनी मर्यादा शास्त्रों ने स्थापित की है कि आप जहां उसी मर्यादा के अनुसार आचरण करो, आप अपनी मर्यादा को खो देते हैं। देखो ये जीवन मुक्त होने के लिए सिद्धांत बना है, ऐसा आप ना समझे, जीवन मुक्त होने के लिए बना है। हमारी राष्ट्र व्यवस्था में बड़े पद भी है तो छोटे पद भी है, जितना बड़ा पद अधिकार है उतना ही छोटे, अगर छोटे ना हो तो जहां सुई काम आएगी वहां तलवार काम नहीं आएगी, विश्वास करो। तलवार की भी रचना आवश्यक है तो सुई की भी आवश्यक है, सबकी अपनी अपनी जगह आवश्यकता है। तुम अपने अपने धर्म का पालन करो, यदि आप अपने धर्म का अतिक्रमण करते हैं और यहां आकर मनमानी पापाचरण करते हैं, मनमानी उद्दंडता करते हैं, तो एक नरक है जिसका नाम है वैतरणी। वैतरणी नदी में उसे फेंक दिया जाता है। उसमें क्या बहता है? उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केस, नख, हड्डी, चर्बी और पिसा हुआ मांस, मज्जा, ये प्रवाह होता है, उसमें फेंक दिया जाता है। जो धर्म का उल्लंघन करता है, नीच आचरण करता है, पापाचरण करता है और मैं बहुत ऊंचे कुल का हूं ऐसा अभिमान करके, तो उसको फेंक दिया जाता है। और वहां बड़े बड़े जहरीले जीव हैं, वो बार बार मल मूत्र पीव रक्त कैसे ऐसे करता है, उसी को खाता है, उसी में डूबता है और जीव उसको काटते हैं, पाप के कारण वो भयंकर कष्ट पाता है पर उसके प्राण नहीं निकलते, वहां मरना नहीं, वो दुर्गति को भोगता है, बार बार रोता चिल्लाता है, कौन सुने उसकी। जो लोग यहां पवित्रता का त्याग करते हैं, अपने शास्त्र के द्वारा निर्धारित आचरणों का त्याग करते हैं, नियमों का त्याग करते हैं,
लज्जा को त्याग करके तिलांजलि देकर के नाना प्रकार के गंदे आचरण करते हैं, पशुओं के साथ गंदे आचरण करते हैं, उनको ये सब पीव विष्ठा मूत्र कफ आदि से भरे हुए कुंडों में फेंका जाता है, इसे पुयोद नमक नरक कहते हैं। पुयोद वो सब इन्हीं घृणित वस्तुओं के बीच में बहुत काल तक सड़ता रहता है। यहां जो अपने को उच्च कुल का मानते हैं, कुत्ता पालते हैं, देखो शास्त्र में पहले से लिखा हुआ, देखो कुत्ता द्वारपाल की तरह दरवाजे में है, उसको भोजन दो, उसको रखो। अब वो रसोई में जा रहा, जामन आ रहा, वहां लग शंका कर रहा, तुम्हारा मुंह चाट रहा है तुम्हारा, अरे भाई थोड़ी तो मर्यादा रखो। व्यवहार का समय भगवान है, पक्का है। लेकिन देखो जब आप सोच करते हो तो आपका ही शरीर है, आप फिर माटी लगा के हाथ क्यों धोते हैं? सोचो आप, बोले सर्वम खलमिदम ब्रह्म हो, तो शरीर तो मेरा ही है, लेकिन जब सोचते हो तो उसे फिर हाथ लगा के धोते हो। ऐसा नहीं कि उसी से, हो सकता है अब ऐसी भी आदतें हो गई हो कि उसी हाथ से भोजन पालो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब ज्ञान ही खत्म, पशुता आती चली जाए। किसी ने बताया था कागज से पोछ लिया जाता है, पाली की जरूरत है नहीं। किसी ने, अब हमारे तो समय से अभी तक ऐसा कोई संयोग पड़ा नहीं, लेकिन लोग ऐसा बताते हैं कि अब एक और विधान चला है, कुछ कागज जैसा होता, बोले उसे पोछ रहे भगवान कैसी है। हाँ टीशू पेपर कह रहे हैं। हाँ तो जो ऐसे अपवित्र आचरण करता है कुत्ता, देखो यहां कुत्ते के प्रति द्वेष भाव नहीं है, लेकिन आप ठाकुर के लिए रसोई बना रहे हो, ठाकुर सेवा विराजमान है, आप पवित्र, तो आप ऐसा नहीं है कि ये, हाँ उसको रखो दरवाजे पे, रखो खवाओ पिलाओ उसे, वो द्वारपाल है, उसे खूब सेवा करो, हम इसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन उसको हाँ अब वो मुंह में चाट रहा है, अब अरे थोड़ा तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरो, थोड़ा तो नीचे उतरो। अब वो रसोई की सामग्री तैयार हो रही, वही रसोई की दीवार में लघु शंका कर रहा है, वैसे थोड़ा सावधान रहो। जो शास्त्र के विपरीत आचरण करते हुए और पशुओं का वध करते हैं, या अपने को उच्च कुल का मान करके ये सब ऐसे आचरण करते हैं, प्राण रोध नामक नरक में डाले जाते हैं, वहां यमदूत उनको लक्ष्य भेद करके बार बार बाणों से बेधते रहते हैं। जो पाखंडी लोग यहां पाखंड फैलाते हैं और यज्ञ में, इससे देवी प्रसन्न होंगी, इससे अमुक प्रसन्न होंगे, बकरा की बलि दो, मुर्गा की बलि दो, ऐसे आदि आदि उदाहरण देते रहते हैं, उनको वैवस विशसन नामक नरक में डाला जाता है, और वैसे ही बार बार उनकी गर्दन काटी जाती है। ध्यान रखना, किसी भी जीव की हिंसा करने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, हम उनको देवी देवता ही नहीं मानते जो दूसरों की हत्या से प्रसन्न होते हैं। सामर्थ्य दी गई है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, जितने भी देवी देवता हैं ये सब जगत का मंगल करने के लिए है, ऐसा मंगल करने के लिए। कुपुत्र जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र तो कुपुत्र सुना गया है लेकिन माँ कुमाता नहीं सुनी गई। जगदम्बा माँ है, वो तुम्हारे जैसे भाव वाली नहीं है कि उसके तुम जैसे बच्चे हो, ऐसे बकरा भी बच्चा है वो अपने बच्चे की गर्दन कटवा के प्रसन्न होने वाली मां नहीं। बोले नहीं, दुर्गा और काली तो तब प्रसन्न होती जब खून पीती उन नीचों का जो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, भगवान की बनाई हुई मर्यादा का नाश करते हैं, जब संसार में वो ऐसे आतंक फैलाते हैं तब यही आदि शक्ति रूप धारण करती है, क्रोधित होकर उन दुष्टों का गला काटती है जो धर्म के विपरीत आचरण कर उनका खून पीती, बेचारे नाजुक सीधे साधे नाबुल पशु पक्षियों का नहीं। ऐसे पापियों को विभीषण नामक नरक में डाला जाता है, बहुत ही कष्ट दिया जाता है। जो कोई चोर या राजा या राजपुरुष, मान लो आप राजा हैं, आपके प्रतिकूल ऐसा भाव आ रहा है और आप नगर में आग लगवा दिए, समर्थ हैं, या आप राज कर्मचारी हैं, बिना अपराधी को किसी को पूरे परिवार को फांसी पे आदि 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 दंड, किसी को विष दिला दिया, या गांव के गांव लुटवा लिए, या व्यापारियों के दलों को लूट लिया, या आदि आदि, आप अधिकारी हैं, आप बल आपको प्राप्त हुआ, यदि आप कहीं ऐसे आंतरिक कार्य करते हैं जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, तो जिनकी दाढ़ें वज्र के समान है ऐसे 20
यमदूत भयंकर कुत्ते का रूप धारण करके उसके ऊपर टूटते हैं, 20 एक साथ वज्र की जैसी दाढ़ियां चीर चीर कर, वहां मरना है नहीं, बहुत सावधान। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं इस लोक में जो दूसरे से पैसा लेकर झूठी गवाही देते हैं, जो इस लोक में बहुत झूठ बोल करके व्यापार करते हैं, जो अपना काम बनाने के लिए झूठा प्रलोभन दे देते हैं, हम तुमको इतने रुपए देंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, जो दान के समय किसी को झूठ बोल के फुसला लेते, ओ तुम्हें इतने रुपए दे, काम करवा ले, काम बन गया, आदि आदि झूठ बोल दिया, उसे आधार सुन अविची मान नामक नरक में गिराया जाता है। अविची मान ये 100 योजन ऊंचा है, 100 योजन ऊंचे से उसे सिर के बल फेंका जाता है, बार बार बस यही किया जाता है, नीचे गिरा फिर ऊपर से ले गए, फिर 100 योजन से नीचे, ऐसे भयंकर कष्ट, इसे अविची मान कहते हैं। गिराए जाने पर उसके शरीर की नस नस टूट जाती है, प्राण तो निकलते नहीं, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर पटका गया, फिर ऐसे ऐसे। यहां जब कोई, देखो ध्यान से सुनना, कोई संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, या आज से मैं ऐसा करूंगा, बहुत होश में बोलना, ये कोई साधारण नहीं है, मैं ऐसा व्रत लेता हूं, मैं ऐसा नियम लेता हूं, मैं ऐसा, अगर वो अपने नियम को तोड़ता है, अपने संकल्प को तोड़ता है, अपने व्रत को तोड़ता है, प्रमाद करता है, तो वो अयापान नामक नरक में गिराया जाता है। छाती में चढ़कर यमदूत उसे गला हुआ लोहा पिलाते हैं, बाणिस ठीक बोलो, ठीक नियम, ठीक निष्ठा, ऐसे नहीं कि जो मनाया सो बोले। इस लोक में जो जन्म तपस्या विद्या आचार वर्ण आश्रम के अभिमान में आकर के अपने महानगों का सत्कार करना छोड़ देता है, वो जीता हुआ मुर्दे के समान है। अपने बड़ों का सत्कार करो, महापुरुषों का सत्कार करो, माता पिता बुजुर्ग गुरुजनों का सत्कार करो। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मरने पर छार करदम नामक नरक में गिराया जाता है, वह उसे बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है। इस लोक में जो भैरव यक्ष राक्षस आदि का आयोजन करने के लिए पशुओं को मारते हैं, खाते हैं, उल्लास मनाते हैं, तो रक्षोगण भोजन नामक नरक में ले जाया जाता है, कसाई की तरह कुल्हाड़ियों से काट काट करके उसका मांस, उसका लोहू यमदूत भक्षण करते हैं और खूब उत्सव मनाते हैं। तुमने मनाया उत्सव, अब वहां यमदूत उत्सव मनाएंगे। इस लोक में जो बनिया गांव के निरपराध जीवों को पहले फुसला कर बुलाते हैं, ले ले, और फिर उसे फंसा लेते हैं, और फिर उसे छेड़ते हैं, कांटे से ऐसे बेधना, रस्सी से बांधना, खिलवाड़ करना, मारना, पीट, तुम्हारा तो खिलवाड़ हो रहा है, वहां वो मर रहा है, वहां उसको भयंकर कष्ट हो रहा है, तो ये अपराध बन रहा है, उसे सूलप्रोत नामक नरक में सूलों से बेधा जाता है। जो यहां कंक, बटेर, बंदर, कुत्ता आदि जो भी जीव है, इनको फुसला के बुला लिया, फिर इनको आप कष्ट देते हो, इनको ताड़ना देते हो, तो उसको ये कष्ट मिलता है। जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव वाले पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, मरने पर दंदशूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां 5-7 मुख वाले भयंकर विषधारी सर्प छोड़े जाते हैं, वो चूहे की तरह से निगल जाते हैं और भयंकर इसको विष का प्रभाव कष्ट देता रहता, बार बार ऐसा होता रहता है। यहां जो लोग किसी का अपहरण करके ले जाते हैं, बच्चों का अपहरण कर लिया, स्त्रियों का अपहरण कर लिया, या धनी मानी किसी का भी अपहरण कर लिया, उनको अंधेरे में रखा, खंतियों में, गुफाओं में, कोठों में रखा, तो परलोक में यमदूत ऐसे स्थान में उनको ले जाके रखते हैं जहां विषैली गैस होती, धुएं से घोटते हैं, इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर में आए हुए अतिथि अभ्यागत साधु वैष्णव की तरफ कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो भस्म कर देगा, बोले राधे श्याम, ऐसे गुस्सा से देखते, कहां से आ गया, और गुस्सा से मानो भस्म कर देंगे, ऐसा नहीं। 3 बातें तो सबको करनी चाहिए, राधे श्याम अर्थात मृदु भाषण, फिर आसन और जल, इसमें किसी का पैसा नहीं लगता। कोई भी वैष्णव, कोई भी अतिथि आपके दरवाजे आया है, राधे राधे, आइए बैठिए, जल पीजिए, नहीं नहीं हमें भोजन चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए, हमें रुपया चाहिए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो राधे श्याम जाइए, आप
ऐसा आप अपने दरवाजे में खड़े हो जाइए, कोई अतिथि आया, मृदु भाषण, हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको दे सकूं, हो गया। जरूरी नहीं कि आप दे ही, लेकिन आप मृदु भाषण बोल सकते हैं। आप गाली देकर, आप क्रोध दृष्टि से उसका अपमान करते हैं, वो आपके द्वारे अतिथि आया है, भिक्षुक आया है, ये आपका भयंकर अपराध बन गया। अतिथि का अनादर करना कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा। आपके दरवाजे आया है, आप मृदु भाषण तो कर ही सकते हैं ना, आप ऐसे तो कर ही सकते हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं मैं आपको दूं। बस मृदु भाषण बोल दीजिए, आप उसको गाली मत दीजिए, आप उसका अपमान मत कीजिए, आप ऐसी दृष्टि से मत देखिए। अगर आप ऐसा करते हैं मानो उसे भस्म कर देंगे, तो जब उसका शरीर छूटता है तो उस पाप दृष्टि के कारण गिद्ध, कंक, काक और बटेर जैसी वज्र की कठोर चोच वाले पक्षी नरक में छोड़े जाते हैं और वो उसको नोचते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझता है, अभिमानवश दूसरे को नीच समझकर उनका अपमान करता रहता है और धन के व्यय और नाश की चिंता में ही रहता है, तनिक चैन नहीं मानता, बस धन, अधिक से अधिक धन बढ़े, चाहे किसी की हिंसा करानी पड़े, चाहे जो भी जैसे भी व्यभिचार से आवे, जैसे भी आवे, वो तरह तरह के पाप करते हुए जो धन एकत्रित करने में बुद्धि लगाए रहता है, वो नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को भगवान यमराज के दूत बड़ी बड़ी सुइयों के ऐसे सीते हैं, पूरे शरीर को सीते हैं बार बार सुइयों से, ऐसे जैसे कोई कपड़ा सिया जाता है ऐसे, उसमें यही सेवा है उनकी, सीते रहो इसको। ओहो कितना कष्ट। इस प्रकार से सैकड़ों हजारों नरक हैं। कोई ये संशय ना करे कि ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं, ऐसा नहीं। अधर्म परायण जीव को निश्चित भोगना पड़ता है। अवश्य में उपभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बारी बारी से नरकों में जाता है और भयंकर कष्ट भोगता है। इसी प्रकार जो धर्मात्मा होता है, पुण्य करता है, वो स्वर्गों में जाता है और विविध प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है। नरक और स्वर्ग के जब भोग भोगे, पाप और पुण्य क्षय हुआ, तो कुछ पाप और कुछ पुण्य लेकर इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है। कहीं उत्तम या अधम गतियां उसकी यहां दिखाई देती है, वो धनी है, वो निर्धन है, वो स्वस्थ है, वो रोगी है, ये सब पाप और पुण्य के कर्म परिपाक से है। आप सोचते हैं कि हमें भजन करने की क्या जरूरत है, सत्संग सुनने की क्या जरूरत है, नियम संयम धारण करने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि तुम्हारी ऐसी दुर्गति ना हो। तुम समझते हो केवल पशुओं की तरह कमा लो, खा लो, मनमानी आचरण कर लो, कोई देखता तो है नहीं। भूल मत करो, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो निश्चय किया है, ये उनके अनुभव के विषय है। साक्षात भगवत स्वरूप भगवान व्यास देव जी, श्री सुखदेव जी, ये साक्षात भगवान हैं, ये वर्णन कर रहे हैं ऐसा है। इसलिए डरते रहो, कोई अपराध न बने और निरंतर भजन में रहो। शिष्य जागे श्री राधा वल्लभ लाल की जय।